हिसाब खून का। जीतू दीदी, दीदी, दीदी इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देर इनकी वजह से हुई है। बिल्कुल, क्योंकि हम आपके लिए खिलौने खरीद रहे थे। आप कौन हो? ये बताते हुए मुझे शर्म आ रही है, तुम बता दो ना। दीदी कौन है ये? ये बताते हुए मुझे भी शर्म आती है, तुम बताओ ना। तुम बताओ ना। तुम बताओ ना। अरे तुम 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 साइलेंस। मैं बताता हूँ, ये तुम्हारे साथ आए हैं, मेरे लिए रिश्वत लाए हैं। इसका मतलब हुआ जीजाजी और जीजाजी, होने वाले जीजाजी। फिर आपको मंजूर है ना? नो। क्यों? मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। पर क्यों नहीं दोगे? मेरी कुछ शर्तें हैं। फरमाइए। दीदी के लिए खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, बाबरची बन जाऊंगा। दीदी के कपड़े धोने पड़ेंगे। चीतू, अरे अरे दीदी के लिए तो मैं क्या बताऊँ, मैं धोबी भी बन जाऊंगा। मेरे लिए घोड़ा बनना पड़ेगा। अजी घोड़ा क्या साहब, तुम्हारे लिए तो मैं गधा भी बन जाऊंगा। मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है, इस खुशी में आप दोनों पप्पी दो। नहीं नहीं मुझे। ओके बाय। अरे अनु तू कहाँ चली गई थी? मैं वो अपने भाई जीतू को देखने गई थी। तुम तो अपने भाई को देखने गई थी, पर ये किसे देखने गए थे? ये अन्नू को देखने गए थे। फिर तो बड़े करीब से देखा होगा इन्होंने अन्नू को। अजी करीब से क्या, ठोक बजा कर देखा है। वैसे माशाल्लाह आपका साइज भी बुरा नहीं, कहीं तो आपको भी नाप लूं। अरे अन्नू चलो, ये तो कोई इंटरनेशनल टेलर मालूम पड़ता है। चलो हाँ चलो। अरे सुनो सुनो, फिर कब मिलोगी? अरे जाइए जाइए, आज से आपकी मुक्ति, क्योंकि कल हम लोग मुक्ता महल देखने जा रहे हैं। मुक्ता महल जरूर देखिए, ऐसा महल आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। तो फिर इन्हें ही क्यों ना अपने साथ ले चले? मैं नहीं जा सकता। क्यों, तुम वहाँ से भागे हुए हो? जी जी नहीं, वो क्या है कि मेरा शो है ना, अगर शो बैठ गया तो धर्मपाल जी खड़े हो जाएंगे। आप अनु के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे अनु के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन मैं मुक्ता महल जा नहीं सकता। तुम बताओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे अरे नहीं नहीं, मनु अनु ऐसा नहीं करना। तो फिर तुम्हें चलना पड़ेगा। चलना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कल सुबह आप लोग महल पहुँचिए, मैं कोई चक्कर चलाता हूँ।